नमस्कार, दी ऑर्डरिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष दीक्षित। ऑस्ट्रेलियाई टीम की फ्लाइट आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। यहां से टीम को सीधे होटल भेजा गया। 4 मार्च से दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरकार 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर गई है। कंगारू टीम की फ्लाइट ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आज सुबह लैंडिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के समेत कुल 35 सदस्यों की टीम यहां भेजी है। यहां पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने सुरक्षा व्यवस्था पे संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहां हम अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित हैं। कप्तान के तौर पर पहली बार विदेशी दौरा कर रहे कमिंस ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। यहां उतरते ही हमें बहुत सारे सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई दिए। हम प्लेन से उतरकर सीधे अपने होटल पहुंच गए। यहां होटल में भी बहुत अच्छा सेटअप मिला है। गौरतलब है कि साल 2009 में लाहौर में श्रीलंका टीम पर हुए हमले के बाद से क्रिकेट की टॉप टीमें पाकिस्तान दौरे से कतराती रही हैं। पिछले साल सुरक्षा कारणों से ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी मैच से ठीक पहले अचानक अपना दौरा रद्द कर दिया और घर वापस चली गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में भी यही रिपोर्ट सामने आई थी कि टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान के जाने की इच्छा से कतरा रहे हैं। बहरहाल इन सभी रिपोर्ट से इतर कंगारू टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेलेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 4 मार्च को शुरू होगा। वहीं दौरे का आखिरी मैच भी रावलपिंडी 5 अप्रैल को खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच 1 टेस्ट, 3 वनडे और T20 मुकाबला रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। लाहौर और कराची में दूसरा और तीसरा टेस्ट आयोजित होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी सभी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे दी ऑर्डरिंग के साथ।